वन मोर सेगमेंट गाइजन फिफ्टी क्वेश्चनो द क्वेश्चन फॉर दी रिसीव मच हेल्प मच हेल्प मच हेल्प के साथ कोई मच तरीके का ऑर्डर नहीं आता या तो लाट्स ऑफ लगाइए या लाट ऑफ लगाइए तो हियर इज ऑल्सो द मिस्टेक इन द फर्स्ट पार्ट वी रिसीव्ड सॉरी सेकेंड पार्ट वी रिसीव मच हेल्प ना होकर के या तो लाट साफ होगा या लाट ऑफ होगा एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो दियर दैट द बैकन द फादर ऑफ इंग्लिश एस हैड थर्स्ट ऑफ द नॉलेज बैकन बैकन बहुत ही फेमस व्यक्ति थे एंड जस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द फ्रांसिस बैकन द फुल नेम इज़ ऑल्सो द फ्रांसिस बैकन उनको इंग्लिस निबंध का एक तरीके से फादर कहा जाता है तो देन यू कैन से हियर इज ऑल्सो अबाउट द फ्रांसिस बैकन बैकन द फादर ऑफ इंग्लिस एस ए हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज बैकन जिनको इंग्लिस एस ए का फादर कहा जाता है उनको ज्ञान का प्यास नहीं था ज्ञान के लिए प्यास थी तो यू हैव टू रिप्लेस द ऑफ बाय द वर्ड ऑफ फॉर रिप्लेस करेंगे हम ऑफ की जगह पर फॉर का यूज होगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बैगन द फादर ऑफ एसी हैड दस्ट यहाँ ऑफ का यूज ना होकर के फॉर का यूज होगा एंड नेक्स्ट एज पर द इन्विटेशन कार्ड रही मैरिज विद एक बहुत कॉमन सा पॉइंट है वेन ईवर यू सी द वर्ल्ड मैरी एंड विद द कंटेनिंग with uh, with विथ प्रिपोजिशन जस्ट अकॉर्डिंग टू मी हैव टू डिनाइड the hundred percent. मैरी के साथ कभी भी with का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि मैरी अपने आप में एक completely word है जो जो मतलब एक अपने फैनमाना को कंप्लीट करता है मतलब शादी अगर होती है तो फिर मैरी मतलब शादी किसी के साथ ही होती है फिर साथ, टे साथ मतलब डबल बार साथ लगाने की जरूरत नहीं होती है दिस विल बी कॉल्ड द सुपर फ्लावर्स ऑफ द वर्ल्ड तो यहाँ पे कभी मैरी विद के साथ नहीं होता हाँ मैरी टू लेता है जस्ट यू कैन से मैरी टू का प्रयोग कहीं कहीं मिल सकता है कहीं प्रयोग किया जा सकता है मैरी टू बट मैरी विद जस्ट रॉन्ग सुपर फ्लावर्स एंडियरिजाल इज हूँ वन फिफ्टी थ्री वन फिफ्टी थ्री क्वेश्चन एंड वन फिफ्टी थ्री ही सेट दैट ही विल नेवर ही विल नेबर रिपीट द मिस्टेक जब सेड हमारा सेंटेंस पैरिज्म अगर एक सेंटेंस में हमारा पास्ट का इस्तेमाल हो रहा है तो आने वाली उसके साथ सेट वर्ब का भी हम पास्ट में ही इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेड है सेड के बाद कभी विल है विल हमेशा उड में चेंज हो जाएगा तो ही सेट दैट ही वुड नेबर रिपीट द मिस्टेक देन हीज आल्सो भी यूज द उड नेबर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम एबल टू कॉप अप या तो कॉप अप का यूज करिए या तो कॉप विध का यूज करिए जिसका मतलब होता है सहन करना तो हियर इज ऑल्सो द डबल डबल फीलिंग वर्ड मिस्टेक एंड सुपर फ्लाउस वर्ड यू कैन री यू हैव टू रिमूव द अप वर्ड या तो अप वर्ड को हटाइए या तो विध का विद वर्ड को हटाइए देन कॉप अप नहीं होगा कॉप विध होगा आई विज जब कभी भी कोई कोरी कल्पना की बात की जाए तो हमेशा उसके साथ आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा वर लेती है ये कह रहा है कि आई विश आई विश मतलब उसकी एक इच्छा है वो प्ले मतलब भविष्य में एक रिचेस्ट पर्सन हो रे दुनिया में तो ये को कल्पना है दिस इज़ नॉट द रियल फैक्ट दिस इज आल्सो ऑल्सो टाइप ऑफ इमेजिनरी फैक्ट एंड वेयर इज यू वेयर इज़ इमेजिनरी फैक्ट देन देयर विल यू हैव टू यूज़ वर तो आई विश के साथ आई एम का यूज़ ना करके वर का यूज होगा

बिफोर सम बॉडी कैम टू रेस्क्यू हिम द बोय लेड लेड इन द सेल्टर द बॉय लेड इन द सेल्टर लेड ना होकर के क्योंकि ले हमारा प्रजेंट होता है और प्रजेंट हमारा क्या होता है पास्ट का ले का लाई बन जाता है तो द लाई ले हो जाएगा लाई ले होता है लाई प्रजेंट और ले उसका पास्ट बनता हाँ, है द बॉय ले इन द सेल्टर बिफोर लॉन्ग टाइम तो हाँ लेड ना उस करके ले यूज़ हो जाएगा स्टैंड ऐट द टॉप ऑफ दिल द हाउस बिलो वर हार्डली विजबल इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द विजबल यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं लग रही स्टैंडिंग ऐट द टॉप ऑफ द हिल यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है द हाउस बिलो मतलब वो घर जो नीचे हैं बड़ी मुश्किल से दिख रहे हैं मतलब एकदम जो स्टैंडिंग जब हम चोटी पर ऊपर चढ़ जाते हैं तो नीचे घर बड़ी मुश्किल से दिखते हैं तो जस्ट अकॉर्डिंग टू मी गाइज हेयर इज नो एनी टाइप ऑफ मिस्टेक नो एयर आई वॉज कन्वाइंस्ड आई वॉज कन्वाइंसड दैट मल्ली थिंग्स आई वांटेड टू डू इवर इज टू विद नोवेल यहाँ पे भी मिस्टेक सेंटेंस पैरालिज्म जब सेंटेंस हमारा एक पूरा पास्ट में शुरू होता है तो पास्ट के ही वर्ब को फॉलो करता है जब तक कंप्लीट ना हो जाए आई वॉज कन्वीनियंस देख रहे हैं यहाँ पास्ट है दैट आई वॉन्टेड ये भी हमारा पास्ट है तो ये ईज ना होकर के वाज ले लेगा तो हियर इज ऑल्सो द मिस्टेक दिस ओनली थिंग्स यूर इज़ टू राइट नॉवेल्स यूर विल विद मिस्टेक यहाँ पे मिसटेक हो जाएगा एंड आफ्टर दिस गाइल्स आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू एन अदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड वैन यू हैव टू टेक इट जस्ट यू वी विल गर्ट द नॉलेज